में एलोवेरा में ये मिला के लगा लो और सुबह तक पाओ गोरी निखरी बेदाग त्वचा। ये आपके चेहरे से काले दाग धब्बे पिगमेंटेशन झाइयों को हटाएगा और स्किन को बहुत ही ज्यादा टाइट ब्राइट और यंग बना देगा। गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत ही ज्यादा स्वस्थ होगी, मस्त होगी और अपना भर भर के ध्यान रख रही होगी। तो टाइटल देख के तो आप समझ ही गए होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एलोवेरा से बनी हुई ऐसा मास्क सीरम जिसको आपको पूरी रात अपने चेहरे पे रखना है और आपकी स्किन सुबह तक बहुत ही ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। और अगर आपके चेहरे पे किसी तरीके के मार्क्स हैं, पिगमेंटेशन है, आपके चेहरे पे एक्ने पिंपल्स के मार्क्स हैं, मुहासों के मार्क्स हैं, आपके चेहरे पे डार्क ब्राउन ब्लैक स्पॉट्स हैं जो कि अभी नहीं थे पर समय के साथ साथ आपके चेहरे पे बिल्कुल छोटे छोटे ब्राउन स्पॉट्स नजर आने लगे हैं, आपके चेहरे पे हल्के हल्के काली काली झाइयां हो गई है, आप अपनी रंगत से परेशान हैं, आपका चेहरा डे बाय डे डल बढ़ता जा रहा है, चेहरे का सांवलापन बढ़ता जा रहा है, जैसे आपका कॉम्प्लेक्शन पहले था वैसे आपका कॉम्प्लेक्शन डल पड़ चुका है, तो आज की रेमेडी है आप सभी के लिए। स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। मात्र 3 से 4 चीज हमें चाहिए जो कि हर किसी के घर में अवेलेबल होती है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो एक लाइक जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। इस सीरम को बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले साफ खाली बाउल। यहाँ पे मैं कम क्वांटिटी में बना रही हूँ, आप चाहें तो ज्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं क्योंकि हम इसे आराम से 2 से 3 मिनट तक स्टोर करके रख सकते हैं। यहाँ मैं ले रही हूँ पतंजलि एलोवेरा जेल। जी हाँ, आप चाहें तो प्लांट वाला एलोवेरा जेल भी यूज कर सकते हैं पर वो आप सिर्फ 1 हफ्ते तक ही स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है, फिर आपको दोबारा बनाना पड़ेगा। पर अगर आप मार्केट वाला एलोवेरा जेल यूज कर रहे हैं तो आप उसे आराम से 2 से 3 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहां मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच पतंजलि का एलोवेरा जेल। हमारी स्किन से काले दाग धब्बों को, पिगमेंटेशन को, डार्क स्पॉट्स को, रिंकल्स को, फाइन लाइंस को दूर करता है और स्किन को हाईली मॉइस्चराइज भी करता है। जो इस रेमेडी का मेन इंग्रेडिएंट है जो कि आपके डार्क स्पॉट्स पे, काले दाग धब्बों पे, झुर्रियों पे काम करेगा वो है हमारा हल्दी, अंबा हल्दी। यहाँ पे हम किचन हल्दी का इस्तेमाल कतई नहीं करेंगे क्योंकि उसमें न जाने कैसे कैसे केमिकल पाए जाते हैं, कलर पाए जाते हैं जो कि आपकी स्किन को रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं स्पेशली ले रही हूँ वाइल्ड टर्मरिक कच्ची हल्दी जो कि स्पेशली हमारी रंगत को निखारने के लिए, हमारे फेस के लिए और बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में उसका यूज किया जाता है। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ लगभग 1/2 टीस्पून, एक छोटा चम्मच, आधा छोटा चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। आप कहीं से भी हल्दी पाउडर का खरीद सकते हैं, ऑनलाइन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें जाएगी 1 विटामिन ई की कैप्सूल। विटामिन ई की कैप्सूल हमारी स्किन जितने भी पिंपल से सन एक्सपोजर से डैमेज हो चुकी है उसे रिपेयर करता है और ये हमारी स्किन के डार्क स्पॉट्स पे भी काम करता है। यहाँ का हम इसका ट्रॉपिकल एप्लीकेशन करेंगे और विटामिन ई कैप्सूल हम खा भी सकते हैं। जी हाँ, जो खा हम सकते हैं वो अपने चेहरे पे भी लगा सकते हैं। तो यहाँ मैं फिलहाल, मेरी स्किन नॉर्मल है, नॉर्मल टू ड्राई है, तो मैं इसमें 1 ही कैप्सूल डाल रही हूँ। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है या एक्सट्रीमली ड्राई है तो आप 2 डालें, या बहुत ज्यादा ऑयली है तो इसकी आधी ही डालें। खरीदने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो आप वहां पे देख सकते हैं, ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, वरना केमिस्ट के पास जाएंगे तो बोलेंगे इवियन नाम से आती है 30-35 रुपए की 10 कैप्सूल आप ले सकते हैं। वर्टनॉश लिस्ट, यहाँ पे हम डालेंगे लेमन जूस। जी हाँ, लेमन जूस, हल्दी और एलोवेरा जेल एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है डार्क स्पॉट्स को रिमूव करने के लिए, काले दाग धब्बों को दूर करने के लिए और ये एक नेचुरल ब्लीच का भी काम करता है जो कि हमारी स्किन के शेड को भी लाइटन करता है। तो यहां मैं डाल रही हूँ लगभग 6 से 7 ड्रॉप, मतलब आधे नींबू का भी आधा रस मैं इसमें डाल रही हूँ लेमन जूस। अगर आपको लेमन जूस सूट नहीं करता फिर भी आप 1 से 2 ड्रॉप जरूर डालना क्योंकि ये हमारी स्किन के डार्क स्पॉट्स पे बहुत अच्छे से काम करता है और इसके रेगुलर इस्तेमाल से आपके जो चेहरे पे डार्क स्पॉट्स है, पिगमेंटेशन है, धीरे धीरे हल्के होंगे डिपेंडिंग की आपकी जो पिगमेंटेशन है, काले दाग धब्बे हैं कितने पुराने हैं। जितने पुराने होंगे उतना ही ज्यादा टाइम लगेगी, जितना ही हाल फिलहाल में हुए हैं तो उतनी जल्दी ये ठीक हो जाएगा। तो सारी चीजों को आपको अच्छे से मिक्स कर देना है, चीजों को अच्छे से मिक्स कर दे और आपको ये किसी भी खाली कंटेनर, जो भी क्रीम की डिब्बी हो, कोई प्लास्टिक की डिब्बी हो, जो भी हो, उस अच्छे से साफ कर ले
अच्छे से सुखा ले और इसे अच्छे से स्टोर कर ले। यहाँ पे मेरे पास एक छोटी सी क्यूट सी कांच की डब्बी है। जी हाँ, मैं जो भी सीरम बनाती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली जानती है, उसी में मैं ये स्टोर करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसमें इसको अच्छे से स्टोर कर लिया है और अपने जहाँ भी मेरा नाइट जो स्किन केयर रूटीन होता है मैं उसको अपने चेहरे पे लगाऊंगी। और हाँ, आप अगर एलोवेरा जेल आपने लिया है मार्केट वाला तो 1 से 2 महीने, अगर आपने फ्रेश लिया है तो 7 to 10 days, बस आप इतना स्टोर करके रख सकते हैं, फिर आप नया बैच बना लीजिए। तो आपको बताती हूँ इसको लगाने का तरीका, बहुत ही सिंपल है। आप सबसे पहले अपने चेहरे को अच्छे से फेस वॉश कर लें। बेसन जो भी आप चेहरे पे लगाते हैं, जो भी आपके चेहरे को सूट करता है, अपने स्किन को, मतलब आपको हमारा ये सीरम तैयार है। अच्छे से अपने चेहरे को वॉश कर दे, स्पेशली आपको एक क्लीन स्किन पे, मतलब जिसमें किसी तरीके का मेकअप ना हो, कुछ भी हो। वैसे हम मेकअप नहीं भी करते, पर अभी ऑलमोस्ट मौसम चेंज हो चुका है तो पसीना, धूल, मिट्टी सब अपनी स्किन से रिमूव हो जाए। इसके थोड़ा थोड़ा डॉट डॉट करके अपने पूरे चेहरे पे आप लें। आपके हैंड्स पे जहाँ टैनिंग हो चुकी है, कालापन है, तो वहाँ भी आप इसे यूज कर सकते हैं। तो अपने पूरे चेहरे पे डॉट डॉट करके लगाएं और हल्के से सर्कुलर मोशन में पूरे चेहरे पे आप इसे लगाएं, ठीक है। और ओवरनाइट यानी कि पूरी रात अपने चेहरे पे ऐसे इसको छोड़ दें। आपको थोड़ा सा हल्का सा इची होगी क्योंकि इसमें नेमन है, थोड़ा सा हल्दी है, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो इसको सिर्फ आधा घंटे ही रखें और उसके बाद पानी से वॉश कर दें। पर अगर आपको हल्का सा इचिंग होती है, हल्की सी, माइल्ड सी, तो क्योंकि इसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती है तो आपको हल्की सी इचिंग होगी, ठीक है। तो आप इसे पूरी रात अपने चेहरे पर रखें और नेक्स्ट डे जो भी आप स्किन केयर फॉलो करते हैं, फेस वॉश या जो भी, आप इसको वॉश करके जो भी है वो फॉलो कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की रेमेडी मेरी YouTube फैमिली को बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी होगी। रोज आपको लगाना है, 7 days तक तो लगाना ही है, तो सीधा विजिबल रिजल्ट, क्योंकि एक दो बार में कोई ऐसा चमत्कार नहीं होगा। 7 से 10 दिन में आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि यस, आपकी स्किन में कुछ भी डिफरेंस हो रहा है। डार्क स्पॉट्स धीरे धीरे हल्के हो रहे हैं, स्किन पे भी अलग सा ग्लो आ रहा है, स्किन भी धीरे धीरे क्लीन हो रही है। आपकी स्किन का जो शेड है वो भी काफी ग्लो कर रहा है, शेड भी हल्का, जो कालापन था ना डल स्किन, वो भी अच्छे से खिलखिलाती हुई लग रही है। तो आपको कम से कम 7 days तो करना है, उसके आगे भी करना है, टू गेट द विजिबल रिजल्ट्स। तो चलिए, मैं आपसे मिलती हूँ और भी अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट सेक्शन में बेधड़क आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आपसे मिलती हूँ मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ। टिल देन फ्रेंड, बाय बाय। अपना ध्यान रखना, स्वस्थ रहना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।